हेलो दोस्तों, आज के इस लेशन में मैं आपको वायलिन से संबंधित कुछ सामग्रियों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम वायलिन के मुख्य भाग बॉडी से स्टार्ट करते हैं और इसका पुराने वायलिन के साथ कंपेयर भी करते हैं। आपका अच्छे से पूछा नहीं तो आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप वायलिन लेते हैं तो उसका हर समय अच्छे से ख्याल रखे, उसको प्रॉपर बॉक्स में रखे या इस तरह किसी रुमाल से अच्छे से इस भाग को और पीछे वाले भाग को और ये फिंगर बोर्ड का ये वाला भाग जो होता है इसको अच्छे से पोंछ लें। ये देख सकते हैं ये जमते जाते हैं। जो रोजिन होता है, रोजिन इसको आप यदि बो में घिसते हैं और बजाने के बाद यदि वायलिन को दोबारा नहीं पहुंचेंगे तो ये इस तरह से जमते जाएगा। नए वायलिन में आप देख सकते हैं साफ है। और इसके बाद मैं आपको वायलिन खरीदते समय किन चीज़ों को ध्यान रखना है इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यदि आपके पास कोई टीचर है सिखाने वाला आसपास में होगा तो आप उसके साथ वायलिन लेने जा सकते हैं। यदि नहीं है तो जिसका एफोल ज़्यादा बड़ा होगा आप उस वायलिन को सबसे पहले खरीद सकते हैं। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि उसका गूंज है वो ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा चीज आप देखेंगे कि ये सब एक सीध में होने चाहिए, यहाँ से लेकर फ्रंट तक के। और चौथा चीज आप देखेंगे कि ये प्रॉपर इस तरह से इसका जो ये गोंद होता है यहाँ पर चिपकाए होते हैं इसको वो निकल जाया रहता है। तो आप इसको चारों तरफ से घुमाकर देख लीजिएगा कि कहीं से निकला हुआ तो नहीं है, ठीक है। और यदि आप बिगनर है तो ये वाला पैक्स आप इस्तेमाल कीजिए। आप वो अपना पैक्स को चेंज कर लीजिए, ये वाला अच्छा होता है। ये अगर आप ऐसा वाला पैक्स लगा लेंगे तो आपके तार के बार बार टूटने का जो समस्या है उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। तो ये वायलिन के मुख्य बॉडी के संबंध था। और ये यहाँ पर एक स्क्रू होता है, इससे आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो जब आप शुरू में लेने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि एक यहाँ से आप देखिए कि एकदम सीध में होने चाहिए। दुकानदार लोग ज़्यादातर इसको एकदम टाइट करके रखते हैं, उन लोग उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं होता तो ये तिरछा हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को देख लेना है। मैं आपको बॉक्स के बारे में बताता हूँ। बॉक्स तीन प्रकार से आप रख सकते हैं। एक ये वाला बॉक्स होता है, दूसरा आप कपड़े का किसी टेलर को देकर इसके साइज के अनुसार बनवा सकते हैं मोटे कपड़े से जैसे जीन्स वगैरह के। और तीसरा जो रेगजिन का जो उन लोग देते हैं शॉपकीपर लोग वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चलता, तो आप इसी तरह के वायलिन के बॉक्स का इस्तेमाल करिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इस तरह से रोजिन के डिब्बे को इसके अंदर रख सकते हैं, साइड में जगह दिए रहते हैं। और वायलिन को प्रॉपर जैसे मैं शुरू में बोल रहा था कि प्रॉपर वायलिन को बक्से के अंदर ही रखना है, नहीं तो धीरे धीरे कर कर उसमें कुछ ना कुछ चीज़ जमता जाएगा और उसका बॉडी ख़राब हो जाएगा। देखिए बिना रबड़ के आप इसको रख सकते हैं ऐसे करके, पर इसका वायर धीरे धीरे करके जो इसका बो का नीचे का ये वाला पार्ट है जो कि नायलॉन या फिर पहले घोड़े के पूंछ का बनाया जाता था ये टूटते जाएगा। तो ऐसे नहीं रख के इसको रबड़ इसको रखना पहले और रबड़ लगा करके रबड़ के साथ में इस तरीके से रखना है। तो इससे क्या है आपका ये वाला पार्ट टूटेगा नहीं। और इसके संदर्भ में और एक बात बताना चाहूँगा कि जो मेहमान आते हैं उनका जब इंटरेस्ट वायलिन की तरफ जाता है तो इसको ज़्यादातर छुएंगे, तो आपको इसको बचा के रखना है किसी भी प्रकार के ऑयली हाथ। ये थोड़ा बहुत भी अगर उसमें पसीना होगा तो ये इसको खराब कर सकते, देख सकते हैं यहाँ पर कैसे हो चुका है ये, तो ये खराब हो जाता है। और इसको प्रॉपर ना हर अगर आप बिगनर हैं तो कम से कम 40-50 बार शुरू शुरू में तो आपको इससे घिसना है प्रॉपर। लेकिन आप अगर ज़्यादा दिन हो गया तो आप 10 से 15 ऐसे घिस के तुरंत आप वायलिन बजा सकते हैं। और ट्यूनिंग की बात कर रहा था मैं, ट्यूनिंग में इस प्रकार का आप ट्यूनर ले सकते हैं।
ये वायलिन पे सेट है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स है। आप गिटार विटार किसी भी चीज़ को इससे ट्यून कर सकते हैं, जैसे ये वी में आ गया, ठीक है। अब इसको आप वायलिन के यहाँ पर नेक के आगे यहाँ पर स्क्रोल होता है, यहाँ पर आप ऐसे फिट कर लीजिए और यहाँ से ट्यून कर लीजिए, ये देख सकते हैं, ये देखो। और देख के यहाँ से डायरेक्ट आप इसको ट्यून कर सकते हैं, चिन रेस्ट को आप वायलिन के वाले पोर्शन में इस तरीके से लगाइए और इसे कील या डिवाइडर की सहायता से आप टाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है शोल्डर रेस्ट, इसको आप अपने वायलिन के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्क्रू निकल जाएगा और इसमें तीन होल दिए हुए हैं, पर ये आपका जो वायलिन 4x4 जो बोलते हैं उसमें यही लास्ट में जो लगा हुआ है उसको इसी हिसाब से रखने हैं। तो जिधर चिन रेस्ट लगा हुआ है और इसका जो ये कर्व जो बना हुआ है इसका, वो एक तरफ रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, ये कर्व वाला पार्ट चिन रेस्ट की तरफ है। और जैसे कि मैं शुरू में बोल रहा था कि ये पुराना वायलिन में है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है वाला, लेकिन जो मेन साउंड की बात आती है, तो वायलिन जितना पुराना रहता है उसका साउंड उतना ही अच्छा आता है। यदि आपके पास इलेक्ट्रिक वायलिन नहीं है, आप नॉर्मल वायलिन को भी आप इस पिकअप की सहायता से इलेक्ट्रिक वायलिन में बदल सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा उसको आप एफ होल में इस तरह से आप लगा दीजिए प्रॉपर, और इसका जो ये वाला पार्ट है उसको आप इस तरह के किसी भी एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। इसमें आपको तीन तरह के इस प्रकार के होल मिल जाएंगे और आप इसको किसी भी एक होल में लगा दीजिए और ये वाला प्रॉपर इसके लिए काम करेगा। यदि अभी बिगनर है तो आपको शुरू में पिकअप और एम्पलीफायर के बारे में सोचने या लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ना ले इसके। और एम्पलीफायर का प्रॉपर और रिव्यू मैं बाद में कर दूंगा।